हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑप्टिविजर्स में। आज हम ग्लोसरी के अंतर्गत टाइम यूटिलिटी को देखेंगे। स्टोरिंग, होर्डिंग, प्रिजर्विंग सर्टेन गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में लीड टू क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी फॉर अ सच गुड। किसी चीज़, किसी गुड को हम कुछ मतलब सालों के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं और होल्ड कर देते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या जनरेट हो जाती है, टाइम यूटिलिटी जनरेट हो जाती है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। बाय होल्डिंग और स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट अ टाइम ऑफ बंपर हार्वेस्ट एंड रिलीजिंग देयर स्टॉक फॉर सेल एट अ टाइम ऑफ स्कार्सिटी। मतलब जब आपका हार्वेस्ट हुआ, जिस टाइम आपका अनाज उत्पन्न हुआ, उस टाइम पर आपने क्या किया, उस ग्रेन को स्टोर कर लिया। ठीक है, स्टोर कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, बचा लिया, रख लिया, स्टॉक बना लिया उसका। जब आपकी कमी आएगी, जिस टाइम पे आपकी कमी आएगी, उस टाइम पे आप उसको रिलीज़ कर देंगे, मतलब मार्केट में छोड़ देंगे, तो आपकी क्या होगी, उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और प्राइस भी आपको हाई मिलेगा। ऐसा बेसिकली जो होते हैं मीडिएटर्स करते हैं, वो अक्सर देखेंगे कि आपका चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, कि जब आपका प्राइजेस हाई हो जाए तो उस टाइम पर वो क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। ठीक है, और आपका जो गवर्नमेंट होता है वो अक्सर चीज़ों को स्टोर इसलिए करता है कि अगर कोई भी क्लाइमेटी आ जाता है, अगर मान लीजिए आपका फूड स्टॉक कम पड़ जाता है इंडिया में, तो वो लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे रिलीज़ करेंगे जब उसकी स्कार्सिटी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए टाइम यूटिलिटी मतलब मैटर करता है। तो स्टोरिंग, होल्डिंग, प्रिजर्विंग सर्टेन गुड्स, कुछ चीज़ों को हम रखते हैं इसलिए कि बाद में वो क्या कर सके, मतलब एक यूज़फुलनेस उसका हो सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।